और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नेशन नाउ में, कल देश भर में हुई रेड्स में 5 एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी का मामला आज बड़े विवाद और कानूनी लड़ाई में बदल गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आज कई एक्टिविस्ट एकजुट हो गए और पुलिस कार्रवाई पर असंतोष दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर रोक लगा दी है और 5 सितंबर तक सभी 5 आरोपियों के लिए हाउस अरेस्ट का आदेश दिया है। देशभर में रेड के बाद 5 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया था। हम ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मीनाक्षी पांजा के पास। मीनाक्षी, किस प्रकार का घटनाक्रम था पूरे दिन भर में और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निरीक्षण अवगत किए हैं? जी देखिए, ये मामला अहम है क्योंकि उच्चतम न्यायालय नॉर्मली उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती जो बाकी कोर्ट्स में पेंडिंग होते हैं, लेकिन ये मामला क्योंकि इतना गंभीर था और ये पहली मर्तबा इस प्रकार से हुआ है पूरा घटनाक्रम। हमने कल देर रात को भी देखा CGM के घर के भीतर जाकर सुधा भारद्वाज के लॉयर्स को उनका अपक्ष रखना पड़ा था। तो तमाम इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी देखा, कई कड़े सवाल पूछे गए। पुणे पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अपने आप को एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में ज़रूर पाई है और ख़ास करके इस बैकड्रॉप में जब तमाम सीनियर काउंसिल्स उच्चतम न्यायालय के, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे अभिषेक मनु सिंह भी हो, इंद्रजय सिंह और तमाम और लोगों ने आज एक पूरा बल लगाया अपना उच्चतम न्यायालय के आगे कि वो हस्तक्षेप करे। और साथ में हमने देखा जब ये सुनवाई ख़त्म हो रही थी, एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं वो आया ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने ये इशारा किया एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार के लिए, और ये बात उनको अपनी जहन में रखना भी चाहिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को, कि जो डिसेंट होता है वो डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़रूरी होता है और लोगों को इस प्रकार से दबाया नहीं जा सकता सिंपली अगर वो आपसे डिसएग्री करते हैं किसी मुद्दे पे। तो इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती, लेकिन वो घर में ज़रूर कन्फाइंड रहेंगे। लेकिन ये एक इंटरिम रिलीफ इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय अभी भी आगे चलकर इस मामले की और जांच करेगी, इसकी सुनवाई होगी 5 सितंबर को। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब हम चलते हैं खबर में और आगे बढ़ते हैं। खास करके आपको पता होगा जिस तरह से अहम फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उन 5 को अब घर में एक हाउस अरेस्ट के तौर पर रखना होगा। सुनते हैं प्रशांत भूषण क्या कहते हैं। द कोर्ट इशूड नोटिस टू द गवर्नमेंट्स, टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू दिस पिटिशन। दे हैव लिस्टेड द पिटिशन नेक्स्ट थर्सडे एंड मीनवाइल दे हैव सेड दैट दोस पर्सन्स हु हैव बीन अरेस्टेड शुड नॉट बी टेकन इनटू कस्टडी, शुड बी इफ At most, they can be placed under house arrest. Justice Chandrachud, in particular, made some very pertinent and important remarks. He said that you are arresting some of the frontline activists, human rights activists in this country. This is clearly an attempt to silence dissent, which is very dangerous in a democracy. The exact words of Justice Chandrachud were that dissent is the safety valve of democracy. If you do not allow dissent, the pressure cooker will burst. He clearly underlined that dissent cannot be criminalized, demonized, but must be seen an integral part of Indian democracy. तो ऐसी पुलिस के खिलाफ में मैं कुछ, किसी ने बोलना है गलत है, पुलिस का मनोबल कम नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा देश के लिए घातक प्रयोग हुआ है भीमा कोरेगांव में। अगर वहाँ पर अगर शहरी नस्लवादी बोलने वाले जो लोग घुसपैठ करते हैं और वहाँ की शांति प्रिय जनता जो दलित समाज से जुड़ी थी, मराठा समाज के लोग थे और भी समाज के लोग थे, इन लोगों में भिड़ाने की जो झगड़ा लगाने की कोशिश की गई थी वो मामला सामने आ गया है, इसलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच पुणे की कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सरकारी वकील ने इस बीच कोर्ट के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसमें वेपन्स के कैटलॉग की जानकारी है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची जा रही थी, जो नक्सली लिंग के तरफ इशारा करते हैं। संदिग्धों पर जो चार्जेस लगे हैं उसके मुताबिक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे। हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता आरती से। आरती,
क्या तथ्य सामने आए हैं, खास करके जबकि अपनी दलील रखी जा रही है और पुणे पुलिस जो तहकीकात कर रही है इस पूरे मामले में, ऐसे कौन से एविडेंसेस है पुणे पुलिस के पास जो पुणे पुलिस ने पुरजोर रखे हैं? Well, Madhar, even before getting to that, I think it's important to mention here that the court proceedings in the Pune court are still underway despite the Supreme Court order. We're still getting updates from what is coming in court, and we are hearing right now that there is a consultation going on between the investigating officer, the defense lawyer and the public prosecutor in the judge's chamber in light of the Supreme Court order. Now, remember, the Supreme Court has said that there is going to be, that all these five activists are going to be remain under house arrest till the 5th of September, but even as that came, these proceedings were continuing in the Pune court. In this particular hearing, of course, the public prosecutor presented a series of documents read out from documents written between these accused allegedly, in which they went on to claim that these links really prove that they have links to the banned organizations of various banned Maoist organization, and of course the fact that they are waging a war against the country. Varavara Rao has been accused of funding the activities of the Maoists. There have been a series of allegations made by the public prosecutor relying on certain documents, in which they have gone on to say that there are links between Naxal organizations and various groups in Kashmir. Right, Atib, thanks for those details. Aur sath sath is pure mamle mein iske pehle पुणे पुलिस ने भी अवगत कराया, अपनी तरफ से जानकारी दी है और उन्होंने ये बताया है कि पुणे पुलिस के पास पुख्ता सबूत है इस पूरे मामले में. सुनते हैं पुणे पुलिस के डीसीपी क्या कहते हैं. थरो इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड दैट लेड टू हाईली इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस लाइक ईमेल्स, लेटर्स, मिनट्स, रिजोल्यूशंस ऑफ द मीटिंग्स एंड अदर एलाबोरेट कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ बैंड सीपीआई मोइस्ट पार्टी and the arrested accused. The evidence found traces back the involvement of Kabir Kalamanch and the arrested accused in mobilization of funds provided by banned outfit CPI Maoist in inciting the masses against administration from long before the Elgar Parishad was held. The analysis of seized documents from the electronic devices clearly reveals the conspiracy hatched by the banned CPI Maoist organization to form the All India United Front as per the strategy and tactics of CPI Maoist Party, that is anti-fascist front, which is according to resolution of their ERB, that is Eastern Regional Bureau, which is their underground formation, in order to overthrow the government established by the law. In pursuance of this conspiracy, efforts were made to establish such front in Maharashtra also, that is through Elgar Parishad, which was organized on 31st December 2017. The evidence conclusively points to the deliberate involvement and major role played by Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navalkar in the larger conspiracy hatched by the banned organization CPI Maoist. The evidence also involves other details like provision of funds, responsibilities given to these urban Nakshals in radicalizing the youths and students, provision of arms and other details trailing back from senior comrades of Central Committee of CPI Maoist. Also, they are actively and deliberately involved in the unlawful activities which led to the violence and killings of large number of security personnel and innocent civilians. Some of the evidence collected reveals that there appears to be nexus with the other unlawful organizations which spreads violence. They have shown intolerance to the present political system and decided to target organizations, functionaries, and they even were thinking of targeting highest political functionary. In all, 9 places were searched in Mumbai, Thane, Faridabad, New Delhi, Hyderabad and Ranchi on 28 August 2018. Hard disks, laptops, pen drives, memory cards, mobile phones, SIM cards and other incriminating documents have been seized from these places. Thus, on the basis of strong and conclusive evidence, the following persons have been arrested on 28 August 2018, namely Varavara Rao, Hyderabad, Arun Ferreira from Thane, Vernon Gonsalves from Mumbai, Sudha Bharadwaj from Faridabad, and Gautam Navalka from New Delhi. So, I see police ke khilaf mein main kuch kisi ne bolna hai galat hai, police ka manobal kam nahi karna chahiye.
ये बहुत बड़ा देश के लिए घातक प्रयोग हुआ है भीमा कोरेगांव में। अगर वहाँ पर अगर शहरी नक्सलवादी बोलने वाले जो लोग घुसपैठ करते हैं और वहाँ की शांति प्रिय जनता जो दलित समाज से जुड़ी थी, मराठा समाज के लोग थे और भी समाज के लोग थे, इन लोगों में भिड़ाने की जो झगड़ा लगने की कोशिश की गई थी वो मामला सामने आ गया है, इसलिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पारित करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई के दौरान कागजात मराठी में लिखे होने के कारण हिरासत पर फैसला देने में दिक्कतें सामने आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने विटनेस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता मिलन से। मिलन, किस तरह की गतिविधियाँ थी और क्या स्पष्ट किया है हाई कोर्ट ने? दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाए थे। जिस तरीके से गौतम नवलखा का अरेस्ट किया गया उस पर काफी समय तक आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि जो केस डायरीज थी और अरेस्ट नामा था, हर चीज, हर डॉक्यूमेंट जो यहाँ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दी गई थी वो जी। मिलन, मिलन से फिर एक बार ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अहम फैसला आया है। लगातार मंगलवार को जिस तरह से देश के 9 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये पुणे पुलिस ने जो छापे मारे थे उसको लेकर आज अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। सुनते हैं और कुछ प्रतिक्रियाएँ। An FIR was filed on 3rd January 2018. An FIR was filed against Mr. Bhide and others. And this is the first FIR. This is the FIR which says that Mr. Bhide and his colleagues and his cohorts were involved in generating violence, generating communal speech, generating casteist speech, which led to the violence which happened on 1st and 2nd. So this is the first step I am, okay, against Mr. Bhide, Mr. Ekbote, etc., etc. Okay. Now they have to balance. Ek FIR file kiya, Bhide ke khilaf, Bhide famous man, they have to balance. So on the next day, they file an FIR against Mr. Jignesh Mevani and Mr. Umar Khalid, saying that they provoked. इस पूरे अहम मामले पर और जानकारी लेते हैं। मिलन शर्मा से हमारे संवाददाता जुड़ गई है फिर एक बार हमारे साथ। मिलन, जो गतिविधियां चल रही थी खास करके हाई कोर्ट में, एक तरह से जो सुनवाई चल रही थी गौतम नवलखा के बारे में, क्या फैसला लिया है हाई कोर्ट ने और क्या उम्मीद आने वाले समय में हम कर सकते हैं? जी मंदा, जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से सवाल पूछे हैं उससे यही जाहिर होता है कि जिस कदर ये अरेस्ट किया गया इसमें सारे जो दस्तावेज थे सब मराठी में थे, वो ट्रांसलेटेड नहीं थे इंग्लिश या हिंदी भाषा में। और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी जहां पर इस केस का संज्ञान ले रही थी, यहां पर कोर्ट ने सीधे तरीके से पुणे पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे सवाल पूछा कि क्या ये केस डायरी जो है जिसमें केस की पर्टिनेंट डिटेल्स लिखी होती है, क्या ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई थी, क्या उनको दिखाई गई थी। उनके सीधा जवाब ना होने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने ये संज्ञान लिया। जो यूपी पीए एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, वो इतना सख्त है कि उसमें बेल का जो प्रोविजन है वो बहुत ही सटीक है और इसकी वजह से किसी भी तरीके की सिविल लिबर्टी जो है इंसान की उसको। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि द कांग्रेस पार्टी हैज रीच्ड अ न्यू लो। कांग्रेस पार्टी अपने आप को खुद ही समाप्त कर रही है। कहां तो एक जमाने में कांग्रेस एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होया करती थी और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि कांग्रेस हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ इनटू अ फ्रिंज आउटफिट। आज एक फ्रिंज आउटफिट बन गई है, मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं रही है और टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड जो है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है जो भारत को तोड़ना चाहती है उनके साथ खड़ा दिखना चाहती है कांग्रेस पार्टी। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, ये जो नक्सली हैं, उनके सहायता में कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हुई है।
Mr. Rahul Gandhi, I want to send a strong message to you. The BJP wants to ask you. Naxals are Naxals when you arrest them, but they are human right activists when we arrest them. जब नक्सलियों को आप गिरफ्तार करते हैं, जब आपके समय में मैं पूरी फहरिस्त दूंगा, जब नक्सलियों को आप गिरफ्तार करते हैं तब वो नक्सली हैं, और जब नक्सलियों को हम गिरफ्तार करते हैं तो वो लोग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और मानव अधिकार के लिए काम करने वाले लोग हैं। जो पांच लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पांचों लोगों के इतिहास को हम आपके सामने रखने वाले हैं। पहला व्यक्ति है वारावारा राव। वारावारा राव जी, उनका एक इतिहास रहा है। वारावारा राव जी को जेल हुआ था 2 वर्षों के लिए 80 के दशक में, और चार्जेस क्या लगाए गए थे? चार्जेस लगाए गए थे वेजिंग अ वॉर एंड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया। भाजपा ने जिस तरह से अब कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति की भरमार हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया है। वरवरा राव हो या फिर सुधा भारद्वाज हो, गौतम नवलखा, वेर्नॉन गोंसाल्विस, अरुण फरेरा, इन पांचों को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुणे पुलिस को अगली सुनवाई तक हाउस अरेस्ट में रखना होगा। उनका जो ट्रांजिट रिमांड था वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मनाही आदेश दिए हैं, और साथ साथ इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई तक ये पांचों जो अभियुक्त है उसमें इनको कुल मिला के हाउस अरेस्ट में रखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नेशन नाउ में फिर एक बार जुड़ेंगे।